इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस में माई 11 सर्कल पर बनाए अपनी टीम और जीते 50 लाख तक का कैश। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और जीते 5 गुना कैश। लाइव चैट में दिए गए पहले लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप और पाएं 1500 रुपए तक का बोनस और एक्सक्लूसिव 20% का कैशबैक। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच में प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो आखिरकार कब कितने बजे से खेला जाएगा। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी आप सभी को भाग लेते हुए आज के प्रैक्टिस सेशन के दौरान दिखाई देने वाले हैं और आप इसको कहाँ लाइव देख सकोगे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि ऋषभ पंत ने किया था उर्वशी रोटेला को ब्लॉक, अब एक्ट्रेस ने अपने अंदाज में लिया ऋषभ पंत से बदला, कर दिया कुछ ऐसा कि ऋषभ पंत को पड़ा भारी। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे और वहीं क्रिकेट की काफी बड़ी बड़ी खबरों के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2021 को देखने के लिए उत्सुक हो तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया और इसी के साथ अब सभी खिलाड़ी आईपीएल 2021 की तैयारी में जुड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारत समेत अन्य देशों के खिलाड़ी भी सब इंडिया आ चुके हैं आईपीएल 2021 को खेलने के लिए। तो वहीं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में करवाया जाएगा, जहां पर एक तरफ भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भिड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम कितनी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल मिलाकर 5 बार आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया है। और वहीं आरसीबी की टीम की बात की जाए तो आरसीबी की टीम ने आज तक कोई भी खिताब अपने नाम नहीं किया है, और जिसके चलते आईपीएल 2021 में आरसीबी की टीम यही चाहेगी कि वो एक खिताब तो अपने नाम कर ही ले। हालांकि दोस्तों, बात की जाए दोनों की ही टीमों की तो मुंबई इंडियंस की टीम पहले की ही तरह काफी ज्यादा मजबूत है इस बार भी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में भी इस बार काफी बड़े बड़े नाम शामिल होती हुई हम सभी को दिखाई देंगे, जहां पर हम सभी ने ऑक्शन में देखा था कि ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी की टीम ने खरीद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी टीम में शामिल कर आरसीबी की टीम काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं अब इन दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी चेन्नई पहुंच चुके हैं, जहां पर चेन्नई पहुंचने के बाद ये सभी खिलाड़ी आज 1 अप्रैल को प्रैक्टिस सेशन में भाग लेंगे। जी हां दोस्तों, इनका प्रैक्टिस सेशन आज 1 अप्रैल से शुरू होगा, जहां पर आप सभी को ये खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं प्रैक्टिस सेशन दोपहर के वक्त ही खेला जाएगा, जहां पर प्रैक्टिस सेशन में टीमें आमने सामने भिड़ेंगी, तो आप सभी आज प्रैक्टिस सेशन को दोपहर से देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं आज प्रैक्टिस सेशन में आप सभी को युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी जैसे खतरनाक खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की तरफ से कायरन पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में भाग लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला मुंबई और आरसीबी की टीम में से कौन सी टीम जीतेगी। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ऋषभ पंत ने किया था उर्वशी रोटेला को ब्लॉक, अब एक्ट्रेस ने अपने अंदाज में लिया बदला। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों काफी चर्चा में, जहां पर पंत लगातार बल्ले से धमाल मचाए हुए हैं और फैंस समेत क्रिकेटर्स जमकर 23 साल के इस खिलाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। तो यह बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला के साथ भी जुड़ चुका है, जहां पर साल 2019 में दोनों को जुहू के एस्टेला होटल में लेट नाइट डिनर पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद दोनों के रिलेशनशिप खराब हो गए और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसके चलते ऋषभ पंत ने उर्वशी रोटेला को व्हाट्सएप पर ब्लॉक तक कर दिया था। हालांकि दोस्तों, अब हम आपको बताएं उर्वशी रोटेला ने अब कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है कि जिससे शायद ऋषभ पंत को भी धक्का लगे। दरअसल उर्वशी रोटेला ने इंस्टाग्राम पर क्रिकेट से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया और यूजर ने उर्वशी रोटेला से सवाल करते हुए उनका पसंदीदा क्रिकेटर पूछा था, जहां पर इस सवाल का जवाब देते हुए उर्वशी ने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं देखती, इसलिए मुझे क्रिकेटर के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सचिन सर और विराट सर की काफी ज्यादा इज्जत करती हूं। तो दोस्तों, यहां पर उनका ये कहना था। बाकी आपकी क्या राय है उनके बारे में, आप अपनी
कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में अब ओडीआई और टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज, 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में भाग लिया, जहां पर भारतीय टीम ने मेहमान टीम को एक भी सीरीज अपने नाम करने नहीं दी, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम ने टेस्ट, टी20 और ओडीआई सीरीज को अपने नाम कर एक बड़ा ही इतिहास रच दिया। और ऐसे में अब भारतीय टीम की निगाहें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज पर होगी। जी हां दोस्तों, हम आपको इंतजार है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराने के बाद अब श्रीलंका की टीम का पत्ता साफ भारतीय टीम करना चाहेगी और उनके ही क्रिकेट ग्राउंड पर उतरकर उन्हें ही चुनौती देना चाहेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर श्रीलंका की टीम को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि यहां पर श्रीलंका की टीम में एक बार फिर से खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हो गई है और जिसके चलते भारतीय टीम का जीतना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी इन सीरीजों को जीतने के लिए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं, भारत और श्रीलंका के बीच में पहले 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, 15 सदस्य इस स्क्वाड में आप सभी को काफी बड़े बड़े चेहरे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां, तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप सभी को कौन कौन से गेंदबाज, कौन कौन से बल्लेबाज और कौन कौन से मिडल ऑर्डर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यहां पर जो इस लिस्ट में गेंदबाजी में नाम निकल कर आता है खिलाड़ियों का, उसमें शामिल हुए हैं युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं दोस्तों बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में इस बार दोस्तों मौका दिया गया सूर्य कुमार प्लेइंग 11 टीम में। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार श्रीलंका के खिलाफ कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 टीम होनी चाहिए। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बनने के ऊपर उन्हें बधाई दी और साथ में अच्छे प्रदर्शन की उनके लिए कामना भी करी। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत इस बार। तुम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, 90 मिनट में खत्म करो 20 ओवर वरना झेलो बैन, टीम के लिए मुसीबत बन सकता है नया नियम। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 का आगाज अब 9 अप्रैल से होने जा रहा है, जहां पर कई सख्त बदलाव देखने के लिए मिले हैं, जहां पर पूरे आईपीएल के इतिहास में लगभग हर टीम की तरफ से स्लो ओवर रेट देखा जा चुका है। लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा गेंदबाजी करने वाली टीम को उठाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं मैच को तय समय में पूरा करने के लिए अब हर टीम को 90 मिनट के भीतर 20 ओवर फेंकने होंगे, जहां पर आसान भाषा में कहें तो हर टीम प्रत्येक पारी 90 मिनट में खत्म होनी चाहिए, जिसमें खेल के लिए 85 मिनट और 5 मिनट टाइम आउट के लिए रखा गया है। अगर ऐसा टीम नहीं करती तो उन्हें बैन भी झेलना पड़ सकता है इस दौरान। तो ऐसे में दोस्तों काफी बड़ा फैसला बीसीसीआई ने लिया। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस फैसले से सहमत हो बीसीसीआई या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले आप भी एक्स्ट्रा 20% कैश के लिए अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप को। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।